या डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ, ठीक जो प्रेजेंट लाइफ है, आई डोंट नो वेदर शी इज मैरिड और शी हैज किड्स और सिंगल जो भी है, बट सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है, बिकॉज अगेन वाटर एंड ब्लू कलर का वाटर सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ थिंग. कई दफा पानी जो सिग्निफाई नॉलेज को करता है, कई दफा ह्यूमन रिलेशनशिप को, स्पेशली मैन वुमन रिलेशनशिप को करता है, तो कई दफा बहुत सारी चीजें, तो इसमें डिससेटिस्फेक्शन इन अ पर्सनल लाइफ. सो आई थिंक वॉट शी इज लुकिंग फॉर इज एक्सेप्ट वॉट एवर शी हैज अराउंड. ओके, वॉट यू लुकिंग फॉर इज एक्सेप्टेंस आई गेस. और उसके अलावा अगर आपको कोई जो मजीद डिटेल डॉक्टर मोइज ने आपको कहा कि ये इस वक्त मिसिंग है, तो आप डॉक्टर मोइज को फिर से ईमेल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको ईमेल पे ही दे देंगे, आप प्रोग्राम में उसको शरीक कर देंगे. हमारे साथ एक कॉलर है, सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम जी. कौन साहिबा, कहाँ से? मैं कौसर बात करें कराची से. जी कौसर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी. मैं आपको प्रोग्राम इतने शौक से देखती हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हूँ, बच्चों को सुनाती हूँ, मैं कितने कितने सालों से देखती हूँ. इंशाल्लाह मिलूंगी जरूर, इंशाल्लाह. मैं इतनी, मैं क्या बोलूँ, मैं भाई सर का मुझे बुक मिल जाए ना, वो भी मैं कोशिश में सर का मुझे बुक मिल जाए, मैं बच्चों को पढ़ाऊं, मैं खुद. हाँ, वो बुक जो है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बुक जो है वो हम उसको हमारे वेबसाइट के ऊपर हम इसको बहुत जल्दी एक आध हफ्ते में वो पूरी बुक आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में डाल देंगे, कि जो चाहे डाउनलोड कर ले, पूरी किताब पढ़ ले. ठीक है, कितना मजे का हो गया. और मुझे एक पूछना है, मेरा छोटा बेटा है, असनीन में बातें करता है. अच्छा, नींद में बात है. फोर साल है, प्लीज, बड़ी मुश्किल से होने रही. छोटी बेटी है, अक्सर खाव में डॉग देखती है. डॉग देखती है. अच्छा, आपका जो बेटा जो नींद में बातें करता है, उसकी एज क्या है? 12 साल है. और बेटी की एज क्या है? बेटी की 15 साल. 15 साल. अच्छा, घर के हालात कैसे हैं आपके? माशाल्लाह अच्छा है, पोजीशन होल्डर है. कभी कभी ऐसा है ना, फर्स्ट पोजीशन इसकी आती है ना, तो उसको पापा उसको बोलता है, तुम ये सेकंड क्यों आते, मतलब सेकंड आई. यही मसला. फर्स्ट स्कूल की बातें करता है. ठीक है. सर, एक मेरी बहन है ना, वो इंटीग्रेशन में रहती है, तो उसने मुझे पूछा है, उनको अक्सर सांप नजर आते हैं. अच्छा जी. सांप के साथ आप मुझे अगले हफ्ते जरूर बताइए, सांप के साथ साथ उसको और क्या चीजें नजर आती है, ख्वाब कितनी मर्तबा आता है, सुबह के वक्त आता है, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली अगले, अभी मैं आपका बेटे का बता देता हूँ. बेटी और बेटी आपको बहुत बहुत खुश रहे, बस दुआ में याद रखें. थैंक यू सो मच कौसर साहिबा कि आपने इतने कॉल की. हम सर अपने तीन लोगों के ड्रीम्स हमारे साथ शेयर किए. हम आपके बेटे और बेटी की तो भी बात कर लेते हैं, बट अलबत्ता हम आपकी बहन को नेक्स्ट वीक आप कॉल करिएगा फिर से पूरी डिटेल लेके, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, जो बेटा है, देखें नॉर्मली बच्चा जब नींद में बोलता है तो इमोशनली डिस्टर्ब है बच्चा. ठीक है. अब उन्होंने खुद ही बता दिया कि इसके वालिद जो है वो नंबर 2 नहीं देखना चाहते इसको, नंबर, तो इसको कंटिन्यूअसली चैलेंजेस देते हैं, और बच्चा कभी बच्चा कोशिश कर रहा है एक्सपेक्टेशन पे पूरा आने के माँ बाप को, तो इसमें एक इनसिक्योरिटी, एक फियर भी होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो इसकी वजह से नींद में बहुत टीनेजर्स जो होते हैं वो उनमें से कुछ बड़े क्रिएटिव और सेंसिटिव जो होते हैं वो नींद में बात भी करते हैं. नींद में बात करते हैं. ठीक है. और जो तो अगर कंटिन्यूअसली हो तो मेहरबानी करके मारे नफ्सियात को दिखा दें. बेटी को कुत्ता नजर आता है तो कुत्ता जो है वो खौफ की अलामत है किसी किस्म की, तो जरा मालूम करें कि बेटी को खौफ तो नहीं. अगर रात को रूम में लाइट जला दी जाए या उसके साथ कोई सोए या किसी तरह भी कोई ऐसा चेंज हो कमरे के अंदर या डायरेक्शन ऑफ स्लीप भी चेंज कर दी जाए तो फिर शायद ये ड्रीम नहीं आएगी. शायद ये ड्रीम ना आए, या बेसिकली उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो सोते वक्त या कोई साथ में हो तो मे बी पॉसिबल उनको ड्रीम ना आए. हमारे पास इतने सारी ईमेल्स आई कि मैं सोचू हम सारी ईमेल्स को तो एक प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता हम डाल सकते हैं, लेकिन हम एक और ईमेल को भी डिस्कस करते हैं. डियर सर, आई ऑलवेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड सी अ ड्रीम दैट आई एम ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अननोन पीपल. मैं बचपन से ड्रीम देखता हूं कि मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूं, वहां बहुत सारे लोग हैं, एंड द ट्रेन इज गोइंग टू अननोन डेस्टिनेशन विच आई डोंट नो, प्लीज इंटरप्रेट इट फॉर मी. एंड देयर इज वन ड्रीम आई सॉ फ्यू डेज अगो दैट आई एम प्रेइंग इन मस्जिद एंड आफ्टर नमाज लॉट्स ऑफ पीपल टेकिंग मैंगोज. आई ऑल्सो गो एंड टेक सम मैंगोज एंड ईट सम ऑफ देम, दे आर वेरी डिलिशियस एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. I saw this dream near morning and I woke up after that and I felt very good after that. Please email me or discuss my email. Okay, पहली ड्रीम जो है वो मुसलसल आ रही है उनको, बहुत अरसे से आ रही है, और वो ड्रीम जो है वो उसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उसके अंदर जो है वो एक किस्म की लैक ऑफ डायरेक्शन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से डायरेक्शन नहीं, कन्फ्यूजन स्टेट है. मगर दूसरी ड्रीम जो उन्होंने कहा आज सुबह देखी या 2-3 दिन पहले जब भी देखी इन्होंने, जो अर्ली मॉर्निंग आई है, और उस ड्रीम के अंदर बेसिकली देखिए मैंगो इज अ फ्रूट, और मेटाफोरिकली एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, फ्रूट होता है, राइट. ठीक है. हम कहते हैं ना कि आपका ये काम किया और आपको उसका फल मिला, तो वो सिग्निफाई करता है कि
वो जो इनिशियल इसको ड्रीम्स आती थी जिसमें अनसर्टन था, डायरेक्शन नहीं था, मंजिल नहीं थी, कुछ ही पता, वो अब कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी एंड डेफिनेटली ही विल फाइंड अ डायरेक्शन। मोस्ट प्रॉब्ली अगर तो ये स्टूडेंट है तो ये एक्सेल करेगा अपनी स्टडीज में, और अगर प्रोफेशनल है तो उसको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा लाइफ के अंदर, और बहुत जल्द मिलेगा। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है, और हो सकता है किसी चीज को ऐसा एक्शन है जिसका आपको फ्रूट मिलने वाला है या मिल चुका हो शायद आपको, तो काइंडली इसको डिस्कस करिएगा डॉक्टर मोइज़ के साथ, आप ईमेल कर सकते हैं उनको। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? कौन सा, आप कहाँ से? अहमद गुमान फ्रॉम कराची। अहमद गुमान, अहमद गुमान फ्रॉम कराची, कैसे हैं सर जी आप? जी 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 कहिए। वालेकुम सलाम, आई एम सॉरी अहमद साहब, मुझे आवाज आपकी नहीं आई थी बहुत जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है सर कि मैं ख्वाब में अक्सर जो है चार रंगों को देखता हूँ। क्या चार रंगों को देखते हैं? अच्छा, चार रंगों को देखते हैं, ठीक है। जो इंसान हो चाहे कुछ भी हो, चार, इसमें एक सफेद, काला और ग्रीन एंड दूसरा मतलब की ग्रीन रेड, रेड चार कलर अक्सर आते हैं, सफेद, काला, ग्रीन, रेड, वो नजर आते हैं अक्सर मुझे। और कई चीज तरह इस रंग के अलावा, कई चाहे वो इंसान ही उस काले या उस रंग में हो जाए या ब्लैक में हो जाए या व्हाइट में हो जाए, कपड़े भी इस तरह होंगे उन कलर्स में। और एक और बात अक्सर आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने आवाज 14 years old, इस वक्त मैं 53 है, ठीक है, इस वक्त आई एम 53 years old। तो मैंने ख्वाब देखा था, उस पर मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा था। तो उस वक्त जो है ये मेरी चीज जिंदगी में उस जमाने से चेंज आई, ठीक, और फिर जाके सो मैंने कहा इस तरह से ऐसे ख्वाब जो आते हैं तो जिंदगी में तब्दीली ले आते हैं। इस तरह से मैंने कहा कि आपसे थोड़ा सा एक मशवरा ले लें, ठीक, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अहमद साहब। और जी, पहला जो इनका ख्वाब है, इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में चार रंग नजर आते, कभी कपड़े की या किसी चीजों की। व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड। बताऊं जो कलर्स ड्रीम में नजर आते हैं वो कलर किस चीज में आते हैं? फॉर एग्जांपल, क्या वो कलर आपको किसी ऑब्जेक्ट में नजर आते हैं या सिर्फ कलर नजर आते हैं? एक चीज याद रखिए कि अगर कोई कलर या कोई नंबर बार बार अगर आपको ड्रीम में आए या फिर खुली आंख से आपकी नजर बार बार एक ही कलर पे पड़े या किसी नंबर पे बार बार पड़े, तो कहते हैं कि आपका जो तहते शऊर है वो आपको सिग्नल दे रहा है किसी ऐसी चीज के लिए जो आपने करनी है और आपने नहीं की, या आप कर रहे हैं और आपको नहीं करनी, आइदर वे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कलर से रिलेटेड, कलर या नंबर्स, ये दो चीज अगर ख्वाब में या खुली आंखों से भी बार बार नजर आए आपको, लेट्स से यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं, मगर मेरी नजर बार बार, हाँ, बेसाख्ता नजर एक ही कलर पे जाती है और वो कलर दो मरतबा नजर आए या कोई एक नंबर दो मरतबा नजर बार बार आए, तो उसका मतलब ये है कि सुने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, या तो आपको ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए था और आप नहीं कर रहे। तो थोड़ा गौर करें बैठ के कि आप अपनी लाइफ के अंदर पूरे दिन में कौन सी ऐसी चीजें जो आप कर रहे, या आपको कुछ करना था, फॉर एग्जांपल किसी का पैसा देना था आप भूल गए, या किसी से लेना था आप भूल गए, या आपने कोई काम करना था किसी का, आपने किसी को कमिटमेंट की थी नहीं की, या किसी ने आपसे कुछ कहा था करने को, तो यू नीड टू फाइंड आउट। तो ये जो कलर है वो सिग्निफाई करता है किसी चीज को जो आप भूल रहे हैं। लोग ज्यादा सस्पिशियस हो जाए अगर बार बार दो कलर देखें, एंड दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। डोंट थिंक अबाउट द कलर, मगर ये निशानी आपका सबकॉन्शियस आपको मैसेज देता है, बल्कि यहाँ है इस हद तक कहूंगा, एंड दिस इज अ मेटर फैक्ट, कि बाज दफा जब पेन होता है आपके, पेन ऑल्सो इज एन इंडिकेटर कि भाई गेट योर सेल्फ चेक, अपने आप चेक कराओ, क्योंकि अगर पेन नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको बीमारी है। ये आपने मुझे पहले बात बताई थी, तो हर चीज एक इंडिकेटर होती है, हो सकता है दिमाग की बत्ती ने इंडिकेटर दिया कि कोई ऐसा काम है जो नहीं करना चाहिए और आप कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए आप तो उसको डिले कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे, इस वजह से या तो आपको कंटिन्यूसली कोई नंबर को, एक ही नंबर को बार बार देखते हैं, किसी कलर को। हमारे साथ उस्मान साहब है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे? अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली मेरे को जो ड्रीम्स होते हैं वो आई ड्रीम ऑफ द खाना काबा एंड आई ड्रीम ऑफ, अभी रिसेंटली मैंने ड्रीम किया था जिब्रील अलैहिस्सलाम को, आई ड्रीम्ड अबाउट हिम। ओके, तो आई मीन व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, बिकॉज वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग देयर यू नो वेटिंग फॉर हिम। ओके ओके, अपना दरवाजा आप जो ना खुला रखो।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जी। तो हमारे तमाम नाजरीन से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है जी, गुजारिश सुन लें आप कि गुजारिश ये कि जी जो रिलीजियस किस्म के ड्रीम्स है ना उसकी मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, ठीक है, वो आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से, किसी पढ़े लिखे आलिम से पूछें, क्योंकि इसके पीछे भी डेफिनेटली मीनिंग्स होते हैं। मैं तो आपकी नफ्सियात के हवाले से एनालिसिस करूंगा, ठीक है। चंद चीजें याद रखिए, इनसे पहले भी एक साहब थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा मुझे हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है वो ख्वाब में आए असल में, और इन्होंने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को मैंने देखा। अब सारे इन दोनों को हमने फिजिकली कभी देखा नहीं है, ठीक, तो हमें नहीं पता कि वो कौन है ख्वाब में आए, मगर अगर ये फीलिंग आपको है कि जैसे इन्होंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, तो डेफिनेटली कोई मुबारक चीज है, कोई ऐसी चीज है जो इनसे कहा जा रहा है करने को। अभी खाना काबा है तो डेफिनेटली कई दफा हम इसको ताबीर, अगेन रिलीजियस है इसलिए मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, मगर हम नॉर्मली ताबीर ये करते हैं कि शायद अल्लाह ताला आपको खाना काबे की जियारत नसीब कराए, इंशाल्लाह। अगर आपने किए तो हो सकता है कोई घर में ऐसा हो, रिश्तेदार हो जो शायद अफोर्ड ना कर सका हो, तो बराए करम उसको आप भेज दें, और हो सकता है कि कोई आपके दर के ऊपर आए, कोई ऐसा शख्स जिसको कोई हेल्प चाहिए, तो डोंट हेजिटेट, दरवाजा खुला रखना, एंड मेरी दरवाजा में भी इसकी ये हो, लेकिन आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से जरूर कांटेक्ट करें, हमारे भी प्रोग्राम्स होते हैं एलटीई पे, आप उधर कॉल कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्रीम। अच्छा जी, हमारे पास एक और है, आज मैंने सोचा अपने अब्बा से बात नहीं करती, आज ईमेल पढ़ती हूँ, आज मैंने रीडर बनी हुई, न्यूज पेपर पढ़ूंगी आज मैं पूरा दिन। अच्छा जी, अमरीन खान की हमारी ईमेल है, उसमें उन्होंने मेरी भी कुछ तारीफ कर दी, तो मैं थोड़ी बेताब थी पढ़ने के लिए कब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज, यू आर डूइंग ग्रेट एंड उरूज हैज इवॉल्व्ड एज अ वेरी प्लेजेंट होस्ट फ्रॉम द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच अमरीन। आई वॉन्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ड्रीम, आई ड्रीम्ड दैट आई एम वेयरिंग फिरोजा नेकलेस, कि मैं एक फिरोजा का नेकलेस पहना हुआ है मैंने, एंड इट ब्रेक्स ऑन द फ्लोर, आई बेंड डाउन टू पिक अप द बीड्स एंड देन आई सी एम्बेडेड इन फ्लोर बिग क्रिस्टल्स ऑफ रूबी एंड एमरल्ड्स। इन माई ड्रीम आई हैड दिस कम्फर्टिंग फीलिंग दैट ऑल दोज प्रेशियस स्टोन्स स्प्रेड ऑल ओवर इट्स माइंड एंड आई एम कलेक्टिंग इट्स ऑल वेल। वेल व्हेन आई गॉट अप हैड अ फीलिंग दैट माई फिरोजा हैज बीन रिप्लेस बाय दैट इज बेटर रूबी एंड एमरल्ड्स, देर ऑल्सो इन एक्सेसेस, वॉट डज दिस मीन, थैंक यू। एक तो हम रिक्वेस्ट ये करेंगे हमारे तमाम नाजरीन से कि अगर आप, अच्छा मेरे लिए रोमन पढ़ना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बड़ा, मगर असल में फिर हम इसको इंटरप्रेट, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में तो फिर टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्ट में ये था कि इन्होंने एमरल्ड का नेकलेस था, नहीं फिरोजा का नेकलेस था, गिर गया टूट गया और वो रूबी में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, रूबी में कन्वर्ट होने के बाद क्या फीलिंग क्या थी इनकी, फिर इसके बाद ये हुआ कि वो नीचे जब उठाने गई तो पूरे फ्लोर पे एमरल्ड और रूबी थे, और उनको ड्रीम में ये फीलिंग थी कि वो रूबी और एमरल्ड इनके खुद के हैं, ठीक है, ठीक है। एंड देन व्हेन शी गॉट अप, तो उनको फीलिंग उनके जो फिरोजा आई गेस वो रिप्लेस्ड हो गया समथिंग लाइक। अच्छा, अब थोड़ा सा ख्याल रखिये, अगर तो ये ड्रीम अर्ली मॉर्निंग आई है या ड्रीम बार बार रिपीट कर रही है तो सिग्निफिकेंस है, वरना इस ड्रीम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक। यानी कि कोई अगर आपको बार बार एक ही ड्रीम रिपीट हो रही है तो उसकी कोई माइंड प्लस इसमें कोई फीलिंग नहीं है, तो और कोई फीलिंग नहीं है, जस्ट अबाउट मे बी यू आर क्रेविंग फॉर मोर डायमंड्स, एमरल्ड्स और रूबी। नेचुरली समटाइम्स आई ऑल्सो ड्रीम अबाउट डायमंड्स ऑल द टाइम, आई डोंट नो व्हाई। चले हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? शाजिया बात कर रही हूँ, गुजरावाला से। जी शाजिया, कैसी हैं आप, कैसा है गुजरावाला? बिल्कुल ठीक। आप मुझे बाप बेटी इतने प्यारे लगते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, थैंक यू। हमें आप लोगों की बड़ी फिक्र है जी, पंजाब में डेंगू वायरस की वजह से बड़ी फिक्र है हमें आप लोगों की, अल्लाह ताला आप लोगों को हिफाजत से रखे, आमीन आमीन। अच्छा मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपने बताना है कुछ जी, बताइए। और डॉक्टर साहब से कहना है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जाहिर है आपके पास आ नहीं सकती, जी जी सही, पूजा वाला मैं हूँ, तो मुझे आपने इधर ही बताना है जो बताना जी, अपने बच्चों के, ठीक है। एक तो मेरे ख्वाब के बारे में तो पूछना ही है, वो मैं पूछ, पहले मैं अपने बच्चों के लिए पूछ, ठीक है, चले पूछे। वो ये कि मेरा छोटा बेटा 9 साल का, उसे टाइफाइड हुआ था, तो ना अब 9 साल का, पहले दो तीन साल का था जब हुआ था टाइफाइड, तो लेकिन ये है कि अब वो पढ़ाई में ना, जब वो पढ़ता है ना, तो वो अब ऐसा ऐसा होता जा रहा है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब एक सवाल की तरफ पढ़ रहा था ना, उसे पता ही नहीं चलता, वो दूसरे की तरफ उसका याद करने लग जाता है, ठीक है। तो एकदम मैं उसे कहूंगी, डांटूंगी, अच्छा पढ़ते पढ़ते एकदम याद करते करते वो सोचता है, ऐसे मुझे उसकी चेहरे की फीलिंग बता रही होती है कि वो ना सोच कुछ हो रहा है,
यानी फोकस उसका आउट हो जाता है, फोकस चेंज हो जाता है। मैं आपको कहती हूँ कि यार आप पढ़ नहीं रहे, आप कुछ सोच रहे हो, तो कहेगा एकदम ऐसे मतलब पढ़ने लग जाएगा, उसको याद करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अब कुछ ज्यादा होता जा रहा है।